नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं हरजिंदर सिंह कलस सीड कंपनी से और आज मैं हिसार के रायपुर डाणी गांव में आया हुआ हूं, जहां पे हमारी कंपनी की भिंडी लगी हुई है 15-13, जो कि बहुत अच्छी खड़ी है और आपके सामने दिखाना चाहता हूं। उसमें फ्रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी फ्रूट सेटिंग चली हुई है और 26-27 तुड़ाई के आसपास फार्मर ने हमारे कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31वीं तुड़ाई के आसपास आज है। और आज भी देखो ना कितनी फ्रूट सेटिंग है। और इसके बाद मैं आपको जिस किसान भाई ने मेरे लगाई हुई है उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी सर आपका? मेरा नाम सोहन लाल है जी। तो आपने ये कौन सी कंपनी की भिंडी लगाई हुई है जी? ये कल्स कंपनी की भिंडी है जी, 15-13 नंबर। तो कैसी है सर ये? बहुत ही अच्छी वैरायटी है जी। तुड़ाई कितनी कर ली सर आपने? तुड़ाई इसकी 26-27 के लगभग कर ली है जी मैंने। तो मंडी में बिकने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। पैदावार कितनी? पैदावार बहुत ही अच्छी है। कोई और मेरे किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहते हो आप भिंडी के बारे में? इसमें क्या खासियत है, क्या खूबी है जी इसमें? खासियत इसकी सबसे बढ़िया यही है जी, इसमें बैक बहुत ही कम है। इससे ये कह रहे हैं भी भिंडी से भिंडी की, फ्रूट से फ्रूट की दूरी बहुत कम है, बहुत कम, 1 इंच के आसपास है, जिससे हमारे उत्पादन में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है जी। अगर ये दूर होता तो उत्पादन में बहुत कम होती जी, कम होती। और दूसरी बात ये, इसका पत्ता बहुत छोटा है जिससे मच्छर बहुत कम आते हैं जी, रोग बहुत कम आते हैं। और तुड़ाई बाबू जी टाइट तो नहीं? नहीं, जैसे बहुत ही नॉर्मल तुड़ाई है। हाँ, नॉर्मल तुड़ाई है, ज़्यादा कांडे भी नहीं है इतनी, वो बात नहीं है। भिंडी बहुत ही ग्रीन हरे रंग की है देखो। तो आप मेरे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं? यही सलाह दूंगा जी, अगली बार भी यही बीज लगाओ, बहुत ही अच्छी कलर सीड का। हाँ, 15-13। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद।